नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज का हमारा विषय है जीवन और संघर्ष थोड़ा सा दार्शनिक विषय है तो कई बार हो सकता है कि हम इस टॉपिक से भटक जाएं और हमें दर्शन की भाषा में साहित्य की भाषा में कुछ शब्दों का सहारा लेना पड़े बात को समझाने के लिए तो ध्यान रखना ऐसा हो सकता है देखिए जीवन है तो संघर्ष है सफलता असफलता अलग बात फिर भी देखिए आप लोग जीवन और सफलता पहले इसी हथेली को लेते हैं हथेली हल्की गुलाबी पहली पहचान की जातक संपन्न परिवार से हथेली भारी इशारा जातक बहुत ही भाग्यवान हथेली पर हृदय रेखा फिंगर सेटिंग से दूर फिर इशारा कि जातक संपन्न परिवार से संबंध रखता है उंगलियां बिल्कुल सीधी जातक संपन्न परिवार से संबंध रखता है ऊपर के चारों पर्वत विकसित उंगलियां लंबी इशारा जातक संपन्न परिवार से संबंध रखता है संपन्न, सफल सफलता दोनों मंगल उभरे हुए जीवन शानदार होगा डेरिंग साहस से भरपूर ऊर्जा से भरपूर विनस अच्छा आदमी के पास जीवन जीने की ऊर्जा बहुत अच्छी संपन्नता बहुत अच्छी सुविधाएं वैभव सब बहुत अच्छा लिनियर माउंट उठा हुआ तो आदमी के पास एक अच्छी कल्पना क्षमता अच्छा टेस्ट कला के प्रति प्रकृति के प्रति सुंदरता के प्रति केतु भी अच्छा इशारा कर रहा है कि बचपन शानदार और उससे पहले का जीवन भी शानदार अगर बीच में राहु फ्लैट है वो भी इशारा कर रहा है सफलता मिलेगी आप इंटेलिजेंट ही मिलेंगे बनेंगे पैसा भी खूब कमाएंगे, अचानक भी कमाएंगे। इन सब के होने के बावजूद भी आदमी के जीवन में संघर्ष होता है अंगूठा पूरी हथेली का प्रतिबिंब है यह लंबा मजबूत अच्छा यौ अच्छी फिक्स आए और दूसरे पर्व पर अच्छी रेखाएं लंबी पूरे पर्व को घेरती हुई सारे इशारे कर रहे हैं कि जातक सफलता प्राप्त करेगा लेकिन सफलता का मतलब यह नहीं कि संघर्ष नहीं होगा संघर्ष तो जरूर होगा चाहे आपके पास खूब पैसा हो खूब संपन्नता हो खूब आपका स्वास्थ्य अच्छा हो खूब आपके पास पद और पावर हो उसके बावजूद भी आप एक खोखलेपन के शिकार जरूर होंगे और वो है आत्मसंतुष्टि यह सफलता से नहीं मिलती यह सम्पन्नता से नहीं मिलती यह सुविधाओं से नहीं मिलती आपने जीवन की दौड़ में कितनों को पछाड़ा किन किन तरीकों से आप आगे बढ़े उन सब काले का ले का जोखा यहाँ काम आता है कि आप कितने संतुष्ट हैं अगर पैसे की बात की जाए तो आपके पास कितनी भी अच्छी रेखा हो भाग्य रेखा लेकिन अगर हल्की सी भी बेस से यहाँ एक रेखा नीचे उतरी इसको बोलते हैं अधर्म की रेखा द लाइन ऑफ जस्टिस तो आपकी सारी सफलता सारी सपन्नता रफो चक्कर कितने अच्छा आपके पास विनस हो कितना अच्छा आपके पास मनी ट्रायंगल हो कितने अच्छा आपके पास में सूर्य पर्वत हो आप आर्थिक संकटों से घिरोगे ही घिरोगे तो जीवन है तो संघर्ष है बात आई आत्मसंतुष्टि की तो जिन जातक के हाथ में इस रिंग फिंगर अपोलो फिंगर के बेस फैलेंज पर एक रेखा इस तरह होती है बिल्कुल सीधी इसको बोलते हैं मोक्ष की रेखा तो आदमी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास भी करेगा मेहनत करेगा किसी का हक नहीं मारेगा दौड़ जीतने के लिए वो दूसरों को लंगड़िया नहीं मारेगा गिराएगा नहीं बल्कि पूरी मेहनत से पूरी ईमानदारी से पूरे डेडिकेशन से अपने गोल की तरफ आगे बढ़ेगा उसे हासिल करेगा उसके पास एक आत्मसंतुष्टि होगी कि उसने किसी गलत तरीके से सफलता प्राप्त तो नहीं की है तब तो उभरता है इस अपोलो फिंगर के बेस फैलेंज पर यह रेखा मोक्ष रेखा यह इशारा करती है कि सारी असफलता के बावजूद सारी सफलता और सारी असफलता के बावजूद भी आदमी निश्चिंत रहेगा अपने आप में संतुष्ट रहेगा बहुत धार्मिक होगा धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़ हिस्सा लेगा और साथ में अंदर से बहुत गहरे से धार्मिक और आध्यात्मिक भी होगा और ये रेखा बनी साथ में जुपिटर भी अच्छा अब सोने पर सुहागा अब आदमी आध्यात्म की ऊंचाइयों को छुएगा शिखरों को छुएगा मतलब मोक्ष को प्राप्त होगा उसके पास वो विवेक आ जाएगा वो ज्ञान आ जाएगा जो उसको समझा देगा कि जीवन का मतलब क्या कितने ही बड़े सफल आदमी से पूछ लीजिए कि उसने इतनी सफलता प्राप्त करने के बावजूद भी उसके पास क्या है इस खुशहाली का राज तो बोलेगा कि इस तरह मैंने जीवन को आशा कर लिया इस तरह मैंने जीवन को आशा कर दिया किसी से माफ़ी मांग ली किसी को माफ़ कर दिया जीवन है संघर्ष है संघर्ष है तो कुछ ऊंच नीच होने की संभावना भी है गलती हो जाए माफ़ी मांग लो आपके साथ गलत हो जाए तो माफ़ कर दो इससे प्यारा तरीका कोई नहीं है मोक्ष प्राप्त करने का वैराग्य प्राप्त करने का आत्मसंतुष्टि का भिड़ने से कोई मज़ा नहीं जो उसने रेखाएं बनाई हैं जो बदलती भी रहती हैं वो मूर्ख नहीं है उसने कुछ सोचकर ही हमें ये रेखाएं बख्शी हैं कि बेटा चल सीख जिंदगी का सही फलसफा के जीने का ढंग कैसा होना चाहिए इस जन्म में नहीं सीखेगा फिर दोबारा आना फिर दोबारा सीखना तो बेहतर है इसी जन्म में सीख जाओ वो कहा है ना गालिब जी ने रगो में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल की जो नसों में दौड़ता है ना खून उसको हम कुछ नहीं मानते रगो में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल जब आँख ही से न टपका जब आँख ही से न टपका तो वो लहू क्या है आगे बोलते हैं इतना आसान नहीं लहू रोना इतना आसान नहीं लहू रोना बदन में ताकत जिगर में हाल कहाँ फिक्र दुनिया में सरखा पाता हूँ मैं कहाँ और ये कहाँ तो बस इस फलसफे को याद रखिए कि जीवन है तो संघर्ष है सफलता असफलता अलग बात प्रयास तो करना ही पड़ेगा संघर्ष तो करना ही पड़ेगा लेकिन इस सब के बावजूद भी सफलता के बावजूद भी जो भी आपकी महत्व है वो भी पूरी हो गई उसके बाद फिर खोखलापन अब ये खोखलापन कैसे भरेगा इस रेखा के द्वारा जब अपोलो फिंगर के बेस फैलेंज पर एक लाइन खड़ी हो तब आत्मिक वास्तविक रूप से मोक्ष का अधिकारी होता है और ऊपर वाला उसे ना एक आशीर्वाद देता है ज्ञान के रूप में वे के रूप में पहचानो अपनी हकीकत पहचानो संसार की हकीकत चिपक रहा है बदन पे लहू से पैराहन अब अपनी जेब को हाथ से रफू क्या है तो जिंदगी की असलियत को पहचानो जो आप देख रहे हैं यही जीवन नहीं इश्क का कोई नहीं है इंतहा इश्क का आगाज़ ही आगाज़ है बस ये लाइनें ही ज़िंदगी नहीं है इसके बाहर भी बहुत ज़िंदगी है यहाँ तो इशारे भर किए जाते हैं और इशारे भी वही किए जाते हैं जो वहाँ से इशारे मिलते हैं लेकिन जो इशारा कर रहा है और जहाँ इशारा कर रहा है उन इशारों को वो बदल भी सकता है आपको रंग से राजा भी बना सकता है लेकिन जब तक इस रिंग फिंगर पर इस अपोलो फिंगर के बेस फैलेंज पर एक लाइन नहीं उभरती पस स्पष्ट तब तक आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त तो नहीं होगा आप अधूरे रहेंगे और ये हुई आपको ज्ञान मिला विवेक मिला और जीवन को समझने का आधार मिला अब आपका जीवन सार्थक हो गया तो ये था जीवन और संघर्ष और हकीकत समझ गए होंगे आप अगर समझ आ गया हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक शेयर कर देना वो बेल आइकॉन का बटन हबा देना जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ लेकिन उससे पहले आपने अपने कीमती समय से थोड़ा समय निकाल कर इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद और जल्दी मिलते हैं तब तक बाय बाय गुड बाय सी यू सून नमस्कार नमस्ते थैंक यू शुक्रिया